दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा अगला वीडियो है मिलर सूचक तथा क्रिस्टल तल। हम जानते हैं कि यदि आकाश में बिंदुओं की एक ज्यामिति व्यवस्था की कल्पना किया जाए तथा क्रिस्टल में परमाणुओं या अणुओं की ज्यामिति व्यवस्था उसी तरह से मानी जाए, तब जालक द्वारा क्रिस्टल संरचना को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रत्येक जालक बिंदु होता है वो एक परमाणु या एक अणु को संबंधित माना जा सकता है। जालक बिंदु से संबंधित परमाणु या अणु को आधार या बेसिस कहते हैं। प्रत्येक बेसिस संयोजन व्यवस्था तथा अभिविन्यास की दृष्टि से एक जैसी होती है। तत्वों के क्रिस्टल में जालक के प्रत्येक बिंदु पर उस तत्व का एक परमाणु स्थित रहता है, लेकिन जब हम बात यौगिक की करते हैं तो क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु पर यौगिक के अवयवी तत्वों के परमाणु या अणु स्थित होते हैं। क्रिस्टल संरचना में परमाणुओं के बेसिस की सभी दिशाओं में नियमित तथा आवर्ती व्यवस्था होती है। इस प्रकार क्रिस्टल संरचना बेसिस सहित जालक को कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे क्रिस्टल जालक की कल्पना करते हैं जिसमें जालक बिंदुओं से होकर गुजरने वाला अनेक समानांतर व समदूरस्थ तल को एक माना जा सकता है। मतलब कई ऐसे अनेक समानांतर व एक निश्चित दूरी पर तलों से मिलके बना हुआ एक क्रिस्टल जालक की कल्पना करते हैं। इन तलों को जालक तल या क्रिस्टल तल कहते हैं। दो क्रमिक जालक तलों की बीच की दूरी लंबवत दूरी को जालक अंतराल कहते हैं। किसी जालक में जालक तलों को भिन्न भिन्न प्रकार से चुना जा सकता है, जिसके फलस्वरूप जालक अंतराल तथा जालक तल के एकांक क्षेत्रफल में जालक बिंदुओं की संख्या बदल जाती है। क्रिस्टल में किसी जालक तल के तीनों दिशाओं के साथ बनाए गए कोण अथवा तीनों दिशाओं के सापेक्ष झुकाव को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक मिलर ने एक विधि बताई जिसे मिलर सूचक कहते हैं। इन संख्याओं को एच के एल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि क्रिस्टल के तल के द्वारा एक्स वाई या जेड अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः L1, L2 या L3 है तो इस सूत्र से हम देखते हैं कि एच अनुपाते के अनुपाते एल बराबर 1/L1 अनुपाते 1/L2 अनुपाते 1/L3 होगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि एच के एल मिलर सूचक कहलाता है। मिलर सूचक को ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं, उनमें से निम्न विधि है। तो इसमें हम सबसे पहले उस क्रिस्टल के तल के द्वारा जो तीन क्रिस्टलीय अक्ष होते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, इस पे क्रिस्टल के तल के द्वारा जो अंतःखंड काटा जाता है उस अंतःखंड की लंबाई देखते हैं, जहां पे L1 बराबर PA, L2 बराबर QB तथा L3 बराबर RC होता है, जहां पर ABC एक्स वाई व जेड अक्ष के अनुदिश जालक नियतांक हैं तथा PQR एक पूर्णांक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि जो PQR है इसके हम व्युत्क्रम को लेते हैं, अर्थात 1/P, 1/Q और 1/R ज्ञात करते हैं। इसके बाद इन व्युत्क्रमों का जो हर है अर्थात PQR है इनके लघुत्तम को निकालते हैं और इसके प्रत्येक व्युत्क्रम में गुणा किया जाता है तथा उसे एक पूर्ण संख्या बना लेते हैं। यही पूर्ण संख्याएं
HKL के HKL द्वारा सूचित होती हैं, जिन्हें हम HKL को मिलर सूचक कहते हैं, अर्थात HKL बराबर 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R होता है। क्रिस्टल तल को HKL छोटे वाले ब्रैकेट में लिखकर हम व्यक्त करते हैं। यदि क्रिस्टल तल के मिलर सूचक HKL हैं तो उनको HKL ब्रैकेट के द्वारा लिख सकते हैं। मिलर सूचक एक विशेष तल को व्यक्त नहीं करता बल्कि किसी तल के समानांतर तलों के एक सेट को व्यक्त करता है। यदि हम क्रिस्टल तल में एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश अंतःखंड 3A 4B और 5C लेते हैं तो यहां से P बराबर 3, Q बराबर 4 तथा R बराबर 5 होगा और इनका जो 3, 4, 5 का जो लघुत्तम है LCM है वो 60 हो सकता है, 60 होगा। अतः HKL का मान हो जाएगा क्योंकि P3PQR तो 1/P 1/Q 1/R ये हो जाएगा 1/3 1/4 1/5 क्योंकि नियम के अनुसार जो लघुत्तम है उसको गुणा किया जाता है तथा उसे पूर्ण संख्या बना लेते हैं। तो इस तरह से H का मान हो जाएगा 60/3 जो कि 20 आएगा। K इक्वल टू हो जाएगा 60/4 इक्वल टू 15। L इक्वल टू हो जाएगा 60/5 इक्वल टू 12। इस तरह से जो मिलर सूचक है वो 20, 15, 12 के द्वारा व्यक्त होता है। यदि किसी क्रिस्टल अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई ऋणात्मक होती है तो मिलर सूचक के ऊपर एक बार लगा देते हैं, मतलब अगर कोई पी है तो इसके ऊपर ऋणात्मक संख्या को एक बार के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस तरह से यदि कोई क्रिस्टल तल किसी अक्ष के समानांतर होता है तो उस तल द्वारा उस अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई अनंत होती है, अर्थात यदि एक्स वाई तल के समानांतर है क्रिस्टल तल तो यहां पे इसका जो मिलर सूचक है वो 0, 0, 1 होगा क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश जो अंत्यखंड है वो इनफाइनाइट होगा, पी और क्यू की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। अब जब हम 1/P 1/Q निकालेंगे तो 0, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जेड एक्स समानांतर क्रिस्टल तल के अगर है तो जेड और एक्स की वैल्यू 0, 0 हो जाएगी तो इसका मिलर सूचक हो जाएगा 0, 1, 0। वाई जेड के समानांतर है तो यह हो जाएगा 1, 0, 0। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया मिलर सूचक ज्ञात करने की विधि। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।